दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उन्हें कोविड शील्ड लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके माता पिता को भी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। बता दें कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल की उम्र 52 वर्ष है, लेकिन वो लंबे वक्त से डायबिटीज से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें भी वैक्सीन दी गई है। कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद केजरीवाल ने कहा कि मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने LNJP में वैक्सीन लगवाया है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना से छुटकारा देने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं, जो जो लोग एलिजिबल हैं वो सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। यहाँ LNJP में भी बहुत अच्छी सुविधा है, सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो सब शंकाएं खत्म हो चुकी। आपको बता दें कि 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को और 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।